हेलो व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंडारमनी में, जो कि आपका मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहां आना कैसे है, कितना समय लगेगा, सब कुछ हम बताने वाले हैं इस व्लॉग में, डोंट वरी फॉर दैट। तो इस व्लॉग में बने रहेगा इंड तक, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। Our journey started from the Howrah station. We took a train at 6:40 AM and reached Digha at 11 AM in the morning. मंडारमनी जाने के लिए आप दीघा से एक स्टेशन पहले है रामनगर, आप वहाँ पे भी उधर के जा सकते हैं, वहाँ से कम समय लगेगा जाने में, पर वहाँ पे आपको कैब वगैरह की लिमिटेड ऑप्शंस रहती है, इसीलिए हम लोगों ने दीघा प्रेफर किया। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रिजॉर्ट सन सिटी रिजॉर्ट। देखिए काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है और बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है रिजॉर्ट। और इसमें आपको दो ऑप्शन है, या फिर आप रूम ले सकते हैं या तो आप हट्स ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, पर हम लोगों ने यहाँ पर रूम बुक किया है। और अगर आप लोग भी बुकिंग करते हैं तो ये कन्फर्म कर लीजिएगा बुकिंग से पहले कि आपको सी फेसिंग ही व्यू रूम दिया जाए। तो चलिए हम अब चलते हैं अंदर में, चेक इन करते हैं रूम में। और ये देखिए हमारा रूम है, तो यहाँ पे सोफ़ा दिया हुआ है, 6-7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इधर ये बेड है और साइड में एक टेबल दिया हुआ है, साथ में एक चेयर, और यहाँ पे एक मिनी फ्रिज है पानी वानी ठंडा करने के लिए, और इधर एक कबर्ड है और साथ में एक मिरर है रेडी होने के लिए। और आपको वाशरूम भी दिखाते हैं अंदर का लुक। ये देखिए वाशरूम भी काफ़ी क्लीन है, बेसिन देखिए और टूथपेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और इधर शावर के लिए स्पेस दिया हुआ है, इसको ग्लास से कवर किया गया है। और व्यू की बात करें, ये देखिए यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, एकदम बीच के साइड में ये रिजॉर्ट। चलिए हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे एक स्टेयर दिया गया है लकड़ी का, इसका यूज़ करके हम बाहर चलेंगे ऊपर में। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, देखिए पूरा आसमान आकाश पूरा बीच, हमारा जो रूम है सी फेसिंग है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी तो थोड़ा सा गर्मी है, शाम होगा तो हम लोग बीच पर भी जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, और शाम में काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ बैठ के, पूरा देख रहे हैं पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है सी फेसिंग। और ये दो तीन रूम हम लोगों ने बुक किया है, टोटल 10 मेंबर आए हैं, एक रूम में 4 लोग एक और 2 रूम में 3 लोग का शेयरिंग है। सभी लोग अपना तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग पूल में जाने वाले हैं और मस्ती करने वाले हैं, तो चल के हम लोग पूल में मिलते हैं, फिर बीच में भी जाएंगे हम लोग शाम में। तो
हम आ चुके हैं नीचे अभी रेस्टोरेंट में, चलिए लंच करते हैं। लंच का टाइम हो गया, अभी 2:30 बज गया है और अभी स्विमिंग पूल में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मस्ती की है हम लोग। तो चलिए अब लंच करते हैं और देखते हैं क्या क्या मेन्यू है और कैसा इनका फूड है। इसमें है नान रोटी, बटर और विदाउट बटर दोनों है, और ये है आपका पुलाव, देख रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और यह आपका है सादा चावल, ये है आपका दाल तड़का, ये है आपका आलू पोस्तो, और ये है आपका कढ़ाई पनीर, और ये आपका रहा चटनी, और ये रहा पापड़। नॉनवेज लोगों के लिए भी यहाँ पे है चिकन कस्सा, और ये आपका फिश करिया, दो चीज़ें हैं। तो कैसा लग रहा है फूड रजत भाई? खाना बढ़िया है, और मेरा तीनों टाइम का लंच, लंच डिनर और कल का सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड था हमारे बुकिंग में। तो अंकित भाई नॉनवेज का रिव्यू देंगे, बताइए कैसा है? चिकन टेस्टी है, अच्छा है, और बताइए। और पनीर भी अच्छी लग रही है, तो बाकी सारे खाने टेस्टी है, बाकी हम बताएंगे अब आगे के। पंकज भाई, और ये है पंकज भाई, कैसा लग रहा है खाना आपको? बहुत अच्छा, तो लंच करने के बाद हम लोग अपने रूम में थोड़ा रेस्ट किए और फिर शाम में हम लोग बीच पे आ चुके हैं। बीच पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसमें लहरों का मज़ा लेने हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बीच पे। आपको मंडारमणि में जो बीच है काफ़ी शांत मिलेगा, बहुत ही लेस क्राउडेड है, मतलब आपको बहुत कम लोग यहाँ पर दिखेंगे, और सूरज के ढलने के साथ यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए ऊपर से आप जो लहरें आ रही हैं समुद्र की, वो आपके कानों में जो आवाज़ आपको सुनाई देगा वो अलग एहसास देगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ, वन नाइट का स्टे था और बहुत ही खूबसूरत सा बीच था, बहुत ही लेस क्राउडेड साफ़ सुथरा बीच था, तो ओवरऑल आप बहुत इंजॉय करने वाले यहाँ के। बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी पीसफुल बीच है और आराम से आके यहाँ पे आप लोग नहा सकते हैं, काफ़ी शांत और लेस क्राउडेड बीच है ये। कैसा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। और एक चीज आपको बता दें, पूरा जो स्ट्रेच है पूरा आपका रिजॉर्ट होटल्स वगैरह है, तो आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, काफी होटल्स रिजॉर्ट है, सारा सी फेसिंग है, तो अपने लोकेशन चेक करके आप लोग होटल वगैरह अपने प्रायोरिटी के हिसाब से बुक कर लीजिएगा। और हम लोग अभी शाम में बीच का है और काफी मजा आ रहा है, काफी खुशनुमा सा शाम है, काफी खूबसूरत शाम। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, जैसे दिघा में आपका मार्केट एरिया है, आपको मंडारमणि में मार्केट एरिया नहीं मिलेगा, और जो भी आपका खाना वगैरह है वो आपको अपने रिजॉर्ट में ही खाना वगैरह खाना होगा, जो भी उनका रेस्टोरेंट वगैरह है। और ये रिजॉर्ट वगैरह जो भी आपको यहाँ पर बीच पर दिख रहा है काफ़ी बढ़िया एरिया में है, तो अगर आपको यहाँ से मेन रोड जाना होगा तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो कुछ घंटे बीच में मस्ती करने के बाद हम लोग चल रहे हैं अपने रूम में, थोड़ा फ्रेशअप होते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी डिनर का टाइम हो गया है, चलिए चलते हैं हम लोग नीचे। हम लोग आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट में और बुफे भी लग चुका है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और डिनर करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं क्या क्या है हमारे आज डिनर में। सलाद, यह चना फ्राई, नींबू, नमक और पिकल्स वगैरह, कुछ मसाले हैं। ये देखिए आपका वेज हक्का नूडल्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अभी हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं। ये साथ में सॉसेस, और ये आपका वेज मंचूरियन, ये है आपका स्टीम राइस, और ये देखिए दाल मखनी, और साथ में आपका भिंडी दो प्याजा, ये टमाटर की चटनी, पापड़, और नॉनवेज में भी दो आइटम है आपका, एक फिश मसाला है, ये देखिए फिश मसाला, और ये आपका चिकन। Thank you.
यहाँ पे फूड का एक्सपीरियंस हम लोग का काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी बढ़िया टेस्ट था जो भी फूड हम लोगों ने ट्राई किया, बोथ वेज एंड नॉन वेज। और ये देखिए यहाँ का रूम का टैरिफ है, आपको पूरा रेट हम दिखा दे रहे हैं। और ये इनका बुकिंग ऑफिस का एड्रेस है। हम लोगों ने जो बुक किया है आपका ये सन सिटी रॉयल बुक किया है, जिसका 10,500 टैरिफ है, जो कि हम लोगों को डिस्काउंट के बाद 4,500 पड़ा है दो लोगों के लिए। और देखिए शाम का समय है, कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कितना समय लगने वाला है आने में और कैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप लोग किसी बाहर स्टेट से आ रहे हैं, अगर बाई प्लेन आ रहे हैं तो आप लोगों को नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है कोलकाता एयरपोर्ट है, और अगर बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप लोग हावड़ा उतरना होगा। यहाँ पहुँचने के बाद आप लोग तीन माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं, बाई कैब, बाई ट्रेन और बाई बस। आपको बस 400 to 500 में एसी बस मिल जाएगा, कैब लेते हैं तो आपको 5,000 to 7,000 अकॉर्डिंग टू योर गाड़ी, कैसा गाड़ी आप कर रहे हैं, बड़ा छोटा उसमें डिफर करेगा प्राइस। और ट्रेन 100 rupees चार्ज है, वो आप लोग ट्रेन IRCTC वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जो स्टेशन है आपको हावड़ा टू दीघा का ट्रेन बुक करना है, तो आप लोग हावड़ा से दीघा आई है, दीघा से आप लोग ऑटो कैब या फिर बस से हम मंडारमनी पहुंच सकते हैं। और जो डिस्टेंस है आपका हावड़ा से मंडारमनी का वो है 170 किलोमीटर। अगर आप लोग बाई ट्रेन आते हैं तो 3-3.5 घंटा पहुँच जाइएगा, या अगर आप लोग बस से या फिर कैब लेकर आते हैं तो 4-5 घंटे आपको लगेंगे। तो हम लोग अभी 7-8 घंटे लगभग रिजॉर्ट में बिता चुके हैं और काफ़ी अच्छा ठंडा हवा चल रहा है। जो पूरा स्ट्रेच है बीच का, बीच के किनारे पूरा रिजॉर्ट भरा हुआ है, होटल भरा हुआ है। तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑनलाइन चेक कर लीजिए और रिजॉर्ट होटल जो आपको अच्छा लगे वो बुक कर सकते हैं। पर्सनली हम लोगों को कैसा लगा वो हम बता रहे हैं इस रिजॉर्ट के बारे में। यहाँ का देखिए पहला चीज़ है, हम लोग का जो रूम था सी फेसिंग था, काफ़ी बढ़िया लगा। ये जो रिजॉर्ट है एकदम बीच के किनारे जस्ट सटा हुआ है, बीच के एकदम सटा हुआ है, आप जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। मुश्किल से 50 से 100 मीटर है, 50 से 100 मीटर है। और रूम भी हम लोग जो रूम है बहुत अच्छा, वहाँ से नजारा नजर आता है, व्यू का व्यू काफी बढ़िया था। आप लोग दिखाए भी है, काफी बढ़िया व्यू था हमारे रूम के बाहर का, है ना, पूरा दिख रहा था। आप वहाँ से हर चीज का नजारा ले सकते हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, बहुत काफी। दिन में थोड़ा गर्मी था लेकिन शाम होते ही काफी बढ़िया, मौसम काफी बढ़िया है। मेरे हिसाब से मंडारमनी का ये सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, सिटी रिजॉर्ट। हाँ, खाना यहाँ का इसका जो कैंपस है बहुत बड़ा है, इसे रेस्टोरेंट का जो खाना है बहुत बहुत लाजवाब, सब लोग को पसंद है, लाजवाब। वेज और नॉन वेज दोनों काफी बढ़िया। और सन सिटी रिजॉर्ट में एक खासियत है कि आपको, आप जो भी एडवेंचर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम द मंडारमनी। और अभी सुबह का समय है, तो सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लोग को उठने में थोड़ा लेट हो गया। और ये व्यू है, आपको एक चीज़ बताते जाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो सुबह में नहा नहीं सकते क्योंकि लहरें काफ़ी तेज़ हो गई हैं और देख रहे हैं कि जो लास्ट बाउंड्री है वहाँ तक टच कर रहा है, तो सुबह में नहाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। आप लोग आते हैं दोपहर में नहा सकते हैं, दोपहर में पानी यहाँ कम रहता है। और पता नहीं शायद ये आज हो रहा है या डेली होता है, क्योंकि हमारा तो 1 night 2 days का ट्रिप था और अभी हम लोग थोड़े देर में यहाँ से निकलेंगे वापस बैक टू कोलकाता। और आपको सुबह का व्यू दिखा रहे थे, हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो दोस्तों अब निकलने का समय हो गया और हम लोग अभी जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे कोलकाता के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार देते रहिए, अपने फ्रेंड फैमिली से इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जगह पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। इसके लिए ग्लास रखा हुआ है साथ में, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स
दोस्त के साथ आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ मसाले, यहाँ पे तरबूज और ये है बूंदिया स्वीट्स में। ये है बटर और ये है जैम और ब्रेड, ब्रेड में आप लगा के खा सकते हैं। अभिषेक तो हम लोग निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट से और बढ़ रहे हैं अपने स्टेशन की ओर रामनगर। वहां से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और बैक टू कोलकाता जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग सन सिटी रिजॉर्ट में रुके थे, वहाँ का आपको सारा कुछ कवर किए, सारा व्यू वगैरह दिखाया, रूम टूर कराए, उनका रेस्टोरेंट का टूर कराए, वहाँ का फूड कैसा है टेस्ट बताए और आपको मंडारमनी बीच जो व्यू है वो आपको सारा कुछ दिखाए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई ट्रैवल रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।